हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दीक्षा लर्न स्टूड में, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में जी डॉट पी भी बोलते हैं, यानी लिखते हैं हम इसे जी डॉट पी, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बच्चों बात आती है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आपने पहली बार सुना होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है बच्चों। तो जैसा कि इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे एक वर्ड आ रहा है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा सीक्वेंस जो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा सीक्वेंस जो क्या कर रहा होगा, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। अब वो पैटर्न फॉलो बच्चों जो कर रहा होगा वो कहलाता है प्रोग्रेशन। अब बात आती है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा। तो जैसे बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होता था, इसी तरीके से बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो हमेशा सेम होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो रेशियो होता है ऑफ अ टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि हम कैसे निकालेंगे। बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लिखेंगे अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड अ जीपी इफ द रेशियो ऑफ अ टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी डिनोटेड बाय स्मॉल में आर। देखो जीपी क्या होता है, दोबारा समझो बच्चों वो क्या कह रहा है। अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर, जीरो तो आएगा नहीं ऑब्वियस सी बात, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड अ जीपी इफ द रेशियो ऑफ अ टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग उससे पहले वाला टू इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड कॉमन रेशियो और डिनोटेड बाय स्मॉल आर। अब देखिए कि वो कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस मान लिया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव इस तरीके से ए एन, ये एन टर्म्स का बच्चों एक सीक्वेंस हो गया। अब वो ये कह रहा था कि जो टर्म को अगर हम उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कॉन्स्टेंट मिलेगी, आर मिलेगी। यानी अगर हम ए टू को डिवाइड कर रहे हैं ए वन से पहले तो है ही नहीं, तो ये बराबर होगा हम ए थ्री को डिवाइड करेंगे ए टू से, ये बराबर होगा हम ए फोर को डिवाइड करेंगे ए थ्री से, ये बराबर होगा हम ए फाइव को डिवाइड करेंगे ए फोर से, और ये इक्वल होगा जब हम ए एन को डिवाइड करेंगे ए एन माइनस। और ये सबके सब वैल्यू बच्चों किसके इक्वल आएंगी, ये सबके सब वैल्यू जो है वो आर के इक्वल आएंगी, और आर को बच्चों हम यहां पर बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। बात समझ में आई बच्चों, दोबारा समझिए कि कैसा सिक्वेंस या कैसा प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो उसमें हमने क्या करा, एक प्रोग्रेशन लिया बच्चों, एक प्रोग्रेशन आ गया हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 an। अब हमें पता है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसा सीक्वेंस जो सर्टेन कंडीशन को फॉलो करता हो या फिर एक पैटर्न बना रहा हो। तो यहां पे पैटर्न ये बनना है बच्चों कि हर टर्म को अगर हम उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो जो वैल्यू मिल रही है वो हमें कॉन्स्टेंट मिल रही है। यानी जैसे ए टू अपॉन ए वन फोर है तो ए थ्री अपॉन ए टू भी फोर होगा, ए फोर अपॉन ए थ्री भी कितना होगा, फोर होगा। तो हमने लिख दिया कि यहां पर a2 अपॉन a1 की वैल्यू बराबर होगी a3 अपॉन a2 के, बराबर होगा a4 ओवर 3 के, a बराबर होगा a4 ओवर a5 के, a5 ओवर a4 ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट में an है, इससे पहले an माइनस वन आ रहा हो। ये वैल्यू जो बराबर होती है उसे हम किसके इक्वल मान लेते हैं, r के इक्वल मान लेते हैं, और r यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, r यहां पर हो जाता है हमारे पास कॉमन रेशियो। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ। अब देखिए कि बच्चों जैसे हमने कंसिडर करा फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, दैट इज अगर हमने ए वन को क्या मान लिया बच्चों, ए मान लिया। अब देखिए कि हमारे पास पता है कि ए टू ओवर ए वन कितना हो जाएगा बच्चों, आर।
तो अगर ये ए हो गया बच्चों, तो ए टू कितना हो जाएगा, ए आर दे हो जाएगा बच्चों। देखिए ए वन की जगह मैं ए रखूंगा तो ए आके इधर इन टू हो जाएगा, तो ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आर। इसी तरीके से इसमें रखिए बच्चों ए थ्री ओवर ए टू की वैल्यू भी आर है, ए टू की जगह आप क्या रख देंगे, ए आर इधर जाएगा, तो ए थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आर स्क्वायर। यानी ये टर्म्स हमें कंसेक्यूटिव मिल जाएंगे, तो ए वन की वैल्यू बच्चों आर हो जाएगी, तो ए टू की आपकी हो जाएगी ए आर। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बच्चों, कॉमन रेशियो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहां पर टर्म्स निकाल के दिखा रहा हूं बच्चों कि हमने यहां पर क्या करा कि अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है। तो यहां पर बच्चों जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो आपके पास आ गई ए, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, उसमें आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए आर की पावर फोर। यानी आप देखेंगे कि जो टर्म आ रहा है, जैसे ए वन आ रहा है तो वहां पे आर की पावर जीरो आ रही है, कम आ रही है। ए टू सेकेंड टर्म में आर की पावर कितनी आ रही है, वन आ रही है, एक कम आ रही है। ए थ्री आप देखेंगे तो आर की पावर टू आ रही है, कम आ रही है। ए फोर देखेंगे तो आर की पावर थ्री आ रही है, कम आ रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी टर्म निकाल रहे हैं उसमें ए का इंटू हो रहा है आर में, और आर की जो पावर आ रही है वो उस टर्म से कम आ रही है। तो इसी तरह से बच्चों जब हम ए एन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, ए का तो इंटू हुआ बच्चों। अब बात आ गई आर की पावर की, अब आर की जो पावर लेंगे बच्चों हम एक कम लेंगे, तो टर्म कौन सा है बच्चों, एन है। यानी एन से एक कम लेंगे तो एन में से हम वन माइनस कर देंगे, तो आर की जो पावर आएगी बच्चों वो कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी एन माइनस वन। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहां से हमें ये पता लग गया बच्चों कि जो एन टर्म होता है जीपी का वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो इक्वल होता है ए आर की पावर एन माइनस वन के। तो बच्चों हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं कि जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। अब देखिए जनरल टर्म ऑफ अ जीपी क्या हो जाएगा बच्चों, जनरल टर्म हो जाएगा इफ वी कंसिडर अ सिक्वेंस विद फर्स्ट टर्म, सिक्वेंस ऑफ एन टर्म्स लिख लीजिए, सिक्वेंस ऑफ एन टर्म्स विद फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर। सो ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए आर की पावर एन माइनस वन। ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं हेयर ए एन क्या हो जाएगा बच्चों, एन टर्म, ए क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। अगर वो पूछेगा आर क्या है बच्चों, तो आप बता देंगे आर है आपका कॉमन रेशियो, और एन तो बच्चों वो हो जाएगा जो टर्म हमें फाइंड करना है। जैसे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो एन की वैल्यू फाइव हो जाएगी, टेन टर्म फाइंड करना है तो एन की वैल्यू टेन हो जाएगी, और ए एन वही वाला टर्म हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो यहां से आपको यह समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो आपको एक समझ में आया एक बात कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगर हम किसी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आए वो कांस्टेंट आए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों जीपी। जो कांस्टेंट रेशियो निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अब जीपी जो है वो डिफाइंड कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म बच्चों ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये आपके टर्म्स हो जाएंगे, और लास्ट टर्म जो निकल कर आएगा यानी जनरल टर्म जो आपका जीपी में निकल कर आएगा बच्चों, तो जनरल टर्म आपका निकल कर आएगा ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन, जहां पर ए फर्स्ट टर्म होगा बच्चों, आर कॉमन रेशियो होगा, ए एन एन टर्म होगा जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और एन वो टर्म एन वैल्यू हो जाएगी जो टर्म आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे फिफ्थ टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो एन की वैल्यू फाइव, टेन टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो एन की वैल्यू टेन। उस तरीके से ये सिक्वेंस आगे बढ़ता चला जाए। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, वो सबको समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद हमें ये समझ में आ गया कि कैसा सीक्वेंस फॉलो होता है, एनथ टर्म हम उसका कैसे निकालते हैं बच्चों। ठीक, अब बच्चों ये बात आई कि ये एनथ टर्म जो आ रहा है वो आपका आ रहा है स्टार्टिंग से। कहां से आ रहा है बच्चों? एनथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग आ रहा है। अब अगर हम एनथ टर्म फ्रॉम एंड निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, अब वो देखिए।
अब देखिए कि हमें एक प्रोग्रेशन दे रखा है बच्चों, हमने कंसिडर कर लिया कि हमें एक प्रोग्रेशन दे रखा है। अब हमने मान लिया कि हमें एक जीपी दे रखी है बच्चों, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ही ए आर की पावर एम माइनस वन। यानी इसमें जो लास्ट टर्म बच्चों हमने माना, वो मान लिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने एम है, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि लास्ट टर्म है ये एनी मान वन, ए आर एन माइनस वन मान लीजिए, और इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं बच्चों, लास्ट टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें निकालना है kth टर्म फ्रॉम एंड, क्या निकालना है kth टर्म फ्रॉम एंड। अब हमें बच्चों एंड से kth टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि एक तरीका यह है कि सीरीज को उल्टा लिख लें। अभी जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है r, क्योंकि r का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें एंड से kth टर्म निकालना है, तो सीरीज को हमने लिख दिया ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस टू, ए आर की पावर एन माइनस थ्री, ऐसे ही चलता चले जाएगा, ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, ए आर और ए, यही हो जाएगा बच्चों। यानी इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा बच्चों वो एल हो जाएगा, और इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो निकल कर आएगा बच्चों वो वन बाय आर निकल कर आएगा। तो अगर हम kth टर्म फ्रॉम एंड निकालेंगे बच्चों, kth टर्म फ्रॉम एंड, तो बच्चों अगर सीरीज उल्टी पड़ेंगे तो यहां से तो kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो गया बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म निकालने का, ए आर की पावर एन माइनस वन यानी फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अब यहां पर फर्स्ट टर्म कितना हो गया बच्चों एल, और आर कितना हो गया बच्चों सीरीज का वन बाय आर, और ये कितना आ जाएगा के माइनस वन। यानी जब हमें kth टर्म फ्रॉम एंड निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों एल इंटू वन बाय आर की पावर के माइनस वन। यानी अगर nth टर्म वो बोल देगा तो फॉर्मूला हो जाएगा एल इंटू वन बाय आर की पावर एन माइनस वन। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। ये तो जब हो गया बच्चों, जब हमने क्या करा सीरीज को अपोजिट कर दिया, सीरीज को क्या कर दिया हमने अपोजिट कर दिया, उल्टा लिख दिया बच्चों। अब मान लीजिए कि kth टर्म फ्रॉम एंड अगर हमें निकालना है, वो कह रहा है कि हम एल का यूज नहीं करेंगे, आर का यूज करेंगे बच्चों। तो अब ये तो फर्स्ट मेथड हो गया बच्चों। सेकंड मेथड में हम ये करेंगे कि सेकंड मेथड में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो kth टर्म एंड से है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है। यानी एंड से अगर हमें kth टर्म निकालना है तो स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होगा। तो बच्चों मैंने आपको एपी में बताया था कि kth टर्म अगर हमें फ्रॉम एंड निकालना है स्टार्टिंग से, वो क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 एन माइनस वन तक जा रहा है एन, माइनस के प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग, यही हो जाएगा बच्चों। यानी कि अगर हमें kth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है बच्चों, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये एन माइनस के प्लस वन एथ टर्म हो गया बिगनिंग से। यानी अगर हम बिगनिंग से एन माइनस के प्लस वन एथ टर्म निकाल देते हैं तो वो वही है जो एंड से के टर्म निकल कर आएगा। अब देखिए बिगनिंग से अगर हमें ए एन माइनस के प्लस वन एथ टर्म निकालना है तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म तो ए हो जाएगा, कॉमन रेशियो आर था, आर की पावर होता था एन माइनस वन, यानी जो यहां पे लिखा रहता था उसमें से वन माइनस कर देते थे, तो एन माइनस के प्लस वन माइनस वन, वन से वन कट गया बच्चों, ये हो जाएगा एन इंटू आर की पावर एन माइनस के, यानी ए इंटू आर की पावर एन माइनस के। तो आपके पास दो मेथड हो गए बच्चों, अगर वो kth टर्म फ्रॉम एंड कहेगा तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से निकालना चाहेंगे तो बच्चों आप फॉर्मूला लगा देंगे a इंटू आर की पावर n माइनस के, a यहां पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा बच्चों, r कॉमन रेशियो हो जाएगा, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, k रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा फ्रॉम एंड। इतनी बात आपको समझ आई। और अगर आप सीरीज को उल्टा करते हैं बच्चों, तो फॉर्मूले को आप लिखेंगे kth टर्म फ्रॉम एंड वाले को कि a एल इंटू वन बाय आर। कॉमन रेशियो जब सीरीज उल्टी हो गई तो वैसे आर का मल्टीप्लाई हो रहा था, उल्टा देखेंगे तो आप आर का डिवाइड हो जाएगा, तो वो वन बाय आर हो जाएगा कॉमन रेशियो बच्चों, एल इंटू वन बाय आर की पावर के माइनस। अब आप जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों में से वो सुटेबल रहेगा, दोनों से ही आंसर बच्चों सेम निकल कर आएगा। तो आप एंड से जब भी कोई टर्म निकाल रहे हैं तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर चॉइस है कि आप अगर ए से निकालना चाह रहे हैं तो ये यूज कर लीजिए, और एल से निकालना चाह रहे हैं तो इसे यूज कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अगर हमें स्टार्टिंग से निकालना है बच्चों, तो ए आर की पावर एन माइनस वन, अगर स्टार्टिंग से एन एटम निकालना है। अब मान लीजिए कि लास्ट से के एटम निकालना है तो एल इंटू वन बाय आर की पावर के माइनस वन, और अगर वो के एटम फ्रॉम एन निकालना है और बिगनिंग वाले कॉन्सेप्ट से निकालना है तो ए आर की पावर एन माइनस के। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया बच्चों ये कॉन्सेप्ट। यानी अब आपको जनरल टर्म समझ में आ गया कि जीपी में जनरल टर्म क्या होता है, और अगर हम बिगनिंग से के एटम निकालते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम एंड से के एटम निकालते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें आपको बच्चों समझ में आ।
अब बच्चों इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं यहां से और हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि कितने टाइप के क्वेश्चन यहां से जीपी में अराइज होंगे बच्चों और हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखिए आप बच्चों। हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द टेंथ टर्म एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस टू वो सॉरी फाइव 125 125 125 वो ऐसे कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा है। अब देखिए कि बच्चों यहां पे जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो दे रखा है फाइव। सीक्वेंस क्या दे रखा है बच्चों? फाइव 125 125 इस तरीके से आगे जा रहा है, यानी कि हर एक टर्म में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। तो अगर बच्चों हम देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अगर r बच्चों हम निकालेंगे तो 25 ओवर 5 ये बराबर होगा बच्चों 125 ओवर 25, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों 5। तो R की वैल्यू आपके पास 5 आ गई बच्चों और A की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई 1 आ गई, यानी कॉमन रेशियो आ गया और ये आ गया। तो हम लिख देंगे गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है बच्चों वो किसमें है? जीपी में। अब ये सीक्वेंस बच्चों जीपी में है। अब हमें करना क्या था बच्चों? हमें तो टेन टर्म और एन एटम निकालना था। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे बच्चों, जनरल टर्म यानी एन एटम। अब देखिए हमने यहां पर लिखा बच्चों जनरल टर्म, ए एन का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? ए आर की पावर एन माइनस वन, यही होता है बच्चों। वैल्यू पुट कर दीजिए ए एन इक्वल्स टू ए, ए कितना बच्चों हमारे पास निकल कर आया है, सॉरी ए फर्स्ट टर्म था बच्चों, फर्स्ट टर्म कितना था हमारे पास 5, ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 5, यानी जो फर्स्ट टर्म होगा सिक्वेंस का, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहां पर कितनी थी 5, तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 5 इंटू R, R देखिए आप R कितना निकल कर आया है, तो 25/5 125/5 R की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहां पे रख देंगे 5। अब n एट टर्म निकालना है तो n की तो कोई वैल्यू पुट करनी नहीं है, n की वैल्यू n ही रह दे दी n माइनस वन। अब an की वैल्यू आपके पास आ गई 5^1 × 5^n-1। अगर बेस सेम होते हैं बच्चों तो आपने पढ़ा होगा, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है, तो पावर जुड़ जाएगी। तो an इक्वल टू 5^1 + n-1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो an की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? an की वैल्यू आ गई 5^n। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। तो यहां से an की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई? वो आ गई आपके पास 5^n। क्लियर हुआ? यानी ये पैटर्न हमारे पास चल रहा था, तो हमने सबसे पहले देखा कि फर्स्ट टर्म क्या था, तो सीरीज में जो फर्स्ट टर्म आएगा बच्चों वो हम ले लेंगे। तो यहां पर फर्स्ट टर्म 5 से स्टार्ट हो रहा था, तो a की वैल्यू 5 हो गई। फिर हमने कॉमन रेशियो निकाला, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करा, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करा, 5 आ गया, यानी सेम आ रहा है, तो आर की वैल्यू 5 हो गई। यहां से हमें पता लग गया कि सीक्वेंस किसमें है? जीपी में। अब जब बच्चों ये क्लियर हो गया कि सीक्वेंस जीपी में है, तो अब हमें जनरल टर्म निकालना था, तो एन एट टर्म का फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों? ए आर की पावर एन माइनस वन, तो ए एन रख दिया बच्चों, ए की वैल्यू 5 × 5^n-1। अब 5 जो लिख रहा है बच्चों उसको आप 5^1 लिख सकते हैं, और इंटू में 5^n-1। पावर बच्चों ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम होता है तो 1 + n-1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बच्चों एन एट टर्म हो गया आपके पास ए एन इक्वल्स टू 5^n। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब ए एन आपके पास 5^n आ गया, इसका मतलब एन एट टर्म तो बच्चों हमें मिल गया। अब हमें कौन सा टर्म निकालना था बच्चों? टेन एट टर्म निकालना था, तो हमने कर दिया पुट एन इक्वल्स टू 10। अगर हमें टेन टर्म निकालना है तो एन की जगह क्या रख देंगे? 10, तो ए 10 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5^10, यानी जो 5^10 आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास? 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगा। क्लियर हो गए बच्चों? बात समझ में आ गई आपको हम कैसे निकालते हैं nth टर्म, और कैसे कोई अगर टर्म हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि जो सीक्वेंस दे रखा है वो कौन सा सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस अगर फाइंड हो जाता है तो बच्चों हम कर देते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप देखिए कि यहां पर मान लीजिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? 5, फिर 25 आया, फिर 125 आया, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 625, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अब वो ये कहता कि ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अब हमें ज्योमेट्रिक सीरीज बताओ उसकी। क्या बताओ? ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में हम क्या करेंगे कि सीरीज मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेशन को जब आप एड में लिख देते हैं
तो वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। यानी प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं उसको आप प्लस प्लस करके लिख दीजिए, थे 5 + 25 + 125 + 625। तो यहां से जो हमें सीरीज मिलेगी उसको हम क्या बोल देंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज बोल देंगे। यानी ये जो सीक्वेंस था वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था बच्चों, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, उसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा था। अब हम उसी को अगर सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे तो बच्चों जो सीरीज बनेगी उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। क्लियर हुआ बच्चों? तो सीरीज और प्रोग्रेशन में अंतर समझ में आ गया बच्चों? कोई पूछता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सीरीज में अंतर क्या है, तो आप बता देंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को जब हम प्लस करके लिख देते हैं यानी एक सीरीज फॉर्म कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, वो कहलाती है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। क्लियर हुआ बच्चों? ये सबको समझ में आ गया बच्चों? एन टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों जीपी का, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। तो बच्चों हम आप क्वेश्चन लिखते हैं, विच टर्म ऑफ आ ऑफ द जीपी, जीपी हम ले लेते हैं बच्चों 2, 8, 32 128 कंटिन्यूएशन में चलती जा रही है बच्चों अप टू एन टर्म्स। विच टर्म ऑफ द जीपी, जीपी में दे रखी है 2, 8, 32, 128 अप टू एन टर्म इज 131072। अब बच्चों वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक जीपी है और जीपी का सीक्वेंस क्या है बच्चों, 2, 8, 32, 128 इस तरीके से चलता जा रहा। अब वो कह रहा है कि इसके कौन से नंबर के टर्म्स की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 131072 के इक्वल होगी, कौन से टर्म इसमें होगा, यानी वो एन क्या होगा जिसके लिए ए एन की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? अब बच्चों हम क्या करेंगे कि देखिए हमने सबसे पहले लिख दिया सीक्वेंस। अब हमें जीपी क्या दे रखी थी बच्चों, जीपी हमें दे रखी थी 2, 8, 32, 128 इस तरीके से आगे बढ़ रही थी। अब अगर हम फर्स्ट टर्म देखेंगे बच्चों तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, फर्स्ट टर्म तो बच्चों 2 ही है सीक्वेंस का। अब हमने आर निकाला बच्चों तो 8/2 कितना निकल कर आ गया, 4। तो आर की वैल्यू 4 आ गई बच्चों और ए की वैल्यू आ गई 2। अब हमें पता है कि बच्चों वी नो, हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी ए एन का फॉर्मूला बच्चों हो गया 2 × 4 की पावर एन माइनस वन, यही हो गया बच्चों। क्योंकि ए की वैल्यू 2 थी, आर की वैल्यू 4 थी, वो हमने पुट कर दी बच्चों। अब वो कह रहा है कि अगर ए एन की वैल्यू 131072 हो जाए तो एन निकालो। तो बच्चों हमने लिखा इफ ए एन इक्वल्स टू 131072, एक्स को इक्वेशन वन मान लिया, पुट इन इक्वेशन वन, उठा के हमने इक्वेशन वन में पुट कर दिया, तो 131072 इक्वल्स 2 × 4 की पावर एन माइनस वन। 2 से कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कैंसिल करा तो 2 × 6 = 12, 1 कैरी लगी 2 × 5 = 10, 1 कैरी लगी 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 1 कैरी लगी 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 36 इक्वल्स 4 की पावर एन माइनस वन। यानी अब बच्चों 6 × 5 = 36 जो आ रहा होगा वो 4 की पावर में आ रहा होगा। तो अब बच्चों हम चेंज कर लेते हैं, तो हमने क्या करा 6 × 5 = 36 को डिवाइड करना चालू करा 4 से, 4 × 1 = 4, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 1 बचेगा, 4 × 3 = 12, 3 बचेगा, 4 × 8 = 32, 1 बचेगा, 4 × 4 = 16। फिर 4 से डिवाइड करा बच्चों हमने, 4 × 4 = 16, 3 तो जाएगा नहीं, 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24। फिर 4 से बच्चों डिवाइड करा तो हमने 1, ये तो जाएगा नहीं, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। फिर 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, 4 × 64 तो आपको पता है 16, 4 × 4 और ये 4 × 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना आ गया, 4 की पावर 8। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 8 इक्वल्स टू 4 की पावर n-1। अब दोनों 4 की पावर आ गए तो बच्चों ऑन कंपेयरिंग कर सकते हैं। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n-1, तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों 9। यानी इस सीरीज का जो 9th टर्म होगा बच्चों उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 131072। क्लियर हुआ बच्चों कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हमें सीक्वेंस एक दे रखा था, हमसे पूछा था
कि वे एन टर्म्स तक जा रहा है, तो इसका विच टर्म बच्चों जो होगा वो 131072 होगा। तो हमने ए निकाल लिया, आर ए एन का फॉर्मूला रखा बच्चों। अब हमने एन निकालना था, तो हमने मान लिया कि एन टर्म जो है वो 131072 है, पुट कर दिया, ये आ गया। यहां पे 4 की पावर आ रहा था, तो इसको भी हमने 4 से डिवाइड करते हुए चले गए, 4 की पावर में चेंज कर लिया। कंपेयर करा तो 8 की वैल्यू n माइनस 1 और n की वैल्यू बच्चों 1 आके इधर ऐड हो गया, तो 8 प्लस 1 कितनी हो गई, 9। यानी इस सीक्वेंस का जो 9th टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 131072। क्लियर हुआ बच्चों कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो मैं बच्चों आपको जो भी ये क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे अलग अलग टाइप्स के करा रहा हूं, जिससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं या होते हैं वो सब आपको आ जाएंगे। तो जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पर आप आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, सबके मेथड्स आपको पता होंगे कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब मुझे नहीं लगता कि जब हमें मेथड्स पता है और हम पहले उस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इन आर जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स टर्म इज 192। एक जीपी हम मान लेते हैं, हम लेते हैं कि थर्ड टर्म उसमें बच्चों क्या है 24 है और सिक्स टर्म कितना है बच्चों 192 है। अब उसमें निकल कर आया कि फाइंड द 10th टर्म। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अब यहां पे हमें सीक्वेंस नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है कि जीपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है बच्चों 24 है, और बच्चों उसमें हमें दे रखा है कि जो सिक्स टर्म है वो कितना है 192 है। क्लियर बात समझ में आई बच्चों? अब वो कह रहा है कि हमें 10th टर्म निकाल के बताइए। देखिए बच्चों सॉल्यूशन, अब हमें पता है कि an की वैल्यू क्या होती है, ar की पावर n माइनस 1, मैंने आपको बताया था यहां n है तो यहां एक कम आएगा बच्चों। यानी अगर हम देखेंगे बच्चों कि हमें गिवन है, तो a3 गिवन है, तो a3 की वैल्यू बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ar की पावर 2, n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ar स्क्वायर हमें थर्ड टर्म कितना दे रखा है बच्चों 24। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यहां पर एक चीज और लिख देना, लेट कंसिडर अ जीपी विद फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर। फर्स्ट टर्म को बच्चों मैंने एफ डॉट टी लिख लिया, कॉमन रेशियो को सी डॉट आर। इतनी बात आपको समझे? तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि ए और आर है क्या जो हम मान रहे हैं। वैसे तो यूनिवर्सल हम बता चुके, फिर भी हम क्वेश्चन में लिखते हैं बच्चों एक बार, कि मान लीजिए किसी को नहीं पता है कि क्या है, तो हमने माने हुए हैं ए और आर। ठीक है बच्चों, अब ए थ्री की वैल्यू बच्चों ए आर स्क्वायर 24 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों। ऐसी ए सिक्स, सिक्स टर्म कितना हो जाएगा ए आर की पावर 5, तो ये हो जाएगा 192, ये हो गया इक्वेशन 2। अब बच्चों हमने लिखा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये हो गया ए आर की पावर 5 ओवर ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 192 ओवर 24। ए से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से 2 गया बच्चों, तो 3 बचेगा, ये आर क्यूब आ गया। अब हम 24 से 192 को कैंसिल करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम 4 से कर लेते हैं, 6 4 4 जा 16 और 3 बचा 4 8 जा 32, तो बच्चों 6 से कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, 6 8 जा 48 होता है तो 8 आ गया। अब 8 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 2 निकल कर आ गई। तो यहां से हमें पता लग गया कि आर कितना है बच्चों 2 है। अब हम ए निकालेंगे, तो अब हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, R की वैल्यू उठा के बच्चों हमने किसमें पुट कर दी, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, a इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24, तो a इंटू 4 इक्वल्स टू 24, 6 टाइम जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? यानी a की वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ गई, 6 निकल कर आ गई। यानी उस सिक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 6 है, और कॉमन रेशियो कितना है बच्चों 2 है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 10th टर्म। तो a 10 की वैल्यू कितनी होती है, a r की पावर 9, ये हो जाएगी बच्चों, क्योंकि a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होगा, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू आर कितना था बच्चों 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 की आपको बच्चों वैल्यू पता होगी, 512 होती है, तो इंटू कर देंगे 6 2 जा 12, 1 कैरी लगा 617 और 6 5 30, तो वैल्यू निकल कर आ गई 3072। यानी इस सीक्वेंस का बच्चों जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा 3072। क्लियर हुआ बच्चों?
समझ में आया बच्चों? थर्ड टर्म 24 आ गया, सिक्स टर्म 192 आ गया, उसके बाद हमने वो कैलकुलेट कर लिया कि टेन टर्म क्या होता है। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन था, न्यू टाइप का बिल्कुल, जो आपने सीखा कि यहां पर हमें ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ था ना कॉमन रेशियो दिया हुआ था, हमें कंडीशन दी हुई थी, उन कंडीशन से सबसे पहले हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को सॉल्व करा और उसके बाद फिर हमने उसमें क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों मैं आपको, ध्यान से करिएगा। इफ द पी प्लस क्यू एथ टर्म ऑफ अ जीपी इज एम एंड पी माइनस क्यू एथ टर्म ऑफ अ जीपी इज एन, हमने मान लिया एक जीपी है उसमें पी प्लस क्यू एट टर्म कितना है बच्चों, एम है, और पी माइनस क्यू एट टर्म कितना है बच्चों, एन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आया फाइंड द पी एट एंड क्यू एट टर्म ऑफ आर जीपी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? वो ये कह रहा है कि एक जीपी है उसमें पी प्लस क्यू एट टर्म की वैल्यू कितनी है एम, और पी माइनस क्यू एट टर्म की वैल्यू कितनी है एन। अब हमें उस जीपी का पीएट टर्म और क्यूएट टर्म निकालकर दिखाना है कि उस जीपी का पीएट टर्म क्या होगा और क्यूएट टर्म क्या होगा। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों? अब देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वही कंसीडर अ जीपी, सबसे पहले हम जीपी कंसीडर करेंगे विद फर्स्ट टर्म क्या मान लेंगे बच्चों, ए एंड कॉमन रेशियो हम क्या मान लेंगे बच्चों, कॉमन रेशियो मान लेंगे आर। अब बच्चों ये हो गया कि हमने यहां पर ये मान लिया कि हमने एक जीपी कंसीडर कर ली, और जीपी का जो फर्स्ट टर्म है बच्चों, वो जीपी का फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है आर। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो फर्स्ट टर्म ए हो गया और कॉमन रेशियो क्या हो गया आर, यहां तक तो हमने निकाल लिया बच्चों। अब बात आई कि अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन दे रखी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पी प्लस क्यू एट टर्म कितना है बच्चों, एम यानी ए, पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है एम। अब p प्लस क्यू एट टर्म अगर हमें फॉर्मूले से निकालना है तो बच्चों कैसे निकालेंगे, a r की पावर p प्लस क्यू माइनस वन, ये m हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन हो गई, ये गिवन था बच्चों आपके पास। अब एक और चीज गिवन है कि a p माइनस क्यू एट टर्म वो कितना है बच्चों, n, यानी a r की पावर p माइनस क्यू माइनस वन, ये कितना हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई सेकेंड। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, आपको पी एट टर्म निकालना है और क्यू एट टर्म निकालना है, यही तो निकालना है बच्चों। देखिए अब हमने कर दिया बच्चों इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय, हम लिख सकते हैं बच्चों इक्वेशन, या फिर इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू, हमने इक्वेशन वन को डिवाइड कर दिया इक्वेशन टू से, तो ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन ओवर ए आर की पावर पी माइनस क्यू माइनस वन इक्वल्स टू एम ओवर एन, ए से ए कट गया बच्चों, ये पावर ऊपर जाएगी तो आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस क्यू प्लस वन इक्वल्स टू एम ओवर एन, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, पी से पी कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया बच्चों। अब हमारे पास निकलकर आ गया आर की पावर क्यू प्लस क्यू कितना हो गया टू क्यू इक्वल्स टू एम ओवर एन, तो आर की वैल्यू आ गई एम ओवर एन की पावर वन बाय टू क्यू, ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड निकल कर आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसमें किसी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ गया क्या हुआ बच्चों? हमने क्या करा कि हमें दिया हुआ था p प्लस क्यू एट टर्म दिया हुआ था, वो हमने निकाल लिया, p माइनस क्यू एट टर्म था वहां से एक कंडीशन निकाली, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करने पर हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, आर की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई, एम बाय एन की होल पावर वन अपॉन टू क्यू। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब हमें क्या टर्म निकालना है, पीएट टर्म निकालना, पीएट टर्म निकालना है बच्चों, तो देखिए हम कैसे करेंगे। नाउ अब हम देखेंगे पीएथ टर्म, अब पीएट टर्म देखेंगे तो बच्चों ए पी यानी ए आर की पावर पी माइनस वन। अब यहां पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इसमें ए आर की पावर क्यू और होता तो इसकी पूरे की वैल्यू एम बन जाती,
क्योंकि ए आर की पावर पी माइनस वन तो है ही, ए है ही, आर की पावर पी माइनस आर की पावर क्यू ही तो नहीं है। हमने क्या करा इसको इजी करने के लिए, यहां पर आर की पावर क्यू का मल्टीप्लाई, आर की पावर क्यू का मल्टीप्लाई और आर की पावर क्यू का डिवाइड कर दिया, इतना कर सकते हैं बच्चों। अब ये बन गया आपके पास ए आर की पावर, पावर एड हो जाएगी ऊपर, पी प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में आर की पावर क्यू। अब हमें आर की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए बच्चों, तो हमने लिखा ये किसके बराबर हो गया, ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन, ये तो एम हो गया बच्चों, और नीचे आर की पावर क्यू था। अब हमें आर की पावर क्यू निकालना था, तो आर की वैल्यू कितनी थी बच्चों, आर की वैल्यू थी एम अपॉन एन की होल पावर वन अपॉन टू क्यू, और ये पावर कितना हो जाएगा क्यू, और यहां पर लिख देंगे हम यूजिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन वन और थ्री को यूज कर हमने वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू आ गई m और r की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी m बाय n की पावर वन अपॉन टू क्यू, और यहां से r की पावर q था तो q का मल्टीप्लाई, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों, q से q डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपके पास हो गया बच्चों m अपॉन अंडर रूट में m, और अंडर रूट n ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो अंडर रूट n, क्योंकि m अपॉन n की पावर 1 बाय 2 हो गई ना, 1 बाय 2 हो गई तो रूट हो गया अंडर रूट में m अपॉन n, तो m नीचे रहेगा n ऊपर चला जाएगा। इस वाले रूट m से बच्चों ये m कटेगा तो रूट m आ जाएगा, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी अंडर रूट में mn, यानी कि a p की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट में mn। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ये आपके पास क्या निकल कर आ गया बच्चों, ये पीएट टर्म निकल कर आ गया, कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि पीएट टर्म क्या होता है, तो पीएट टर्म आपने यहां से निकाल दिया कि ए पी की वैल्यू यानी पीएट टर्म की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, वो हो गई अंडर रूट में एम। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब क्या निकालना था आपको, क्यू एट। अब देखिए मैं ये पी एट टर्म बच्चों रफ कर दे रहा हूं, क्योंकि इसका कोई ना क्यू एट टर्म निकालना हमें, तो हमने क्या करा बच्चों पी एट टर्म को रफ कर दिया। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, क्यू एट टर्म निकालेंगे। यहां तक तो बच्चों क्वेश्चन वही रहेगा, यानी इतनी कंडीशन तो बच्चों हम पहले ही निकाल चुके हैं कि यहां पर ए पी प्लस क्यू से हमें कंडीशन एम की वैल्यू मिल गई थी, एन की डिवाइड करने पर हमने आर निकाल दिया, इतना तो हमें समझ आ गया। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे कि नाउ, अब हमें निकालना क्या बच्चों, हमें निकालना है क्यू एटम, तो नाउ क्यू एटम यानी ए क्यू। अब ए क्यू के लिए अगर फॉर्मूला लिखोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ए आर की पावर क्यू माइनस वन, ये हो जाएगा बच्चों। अब ए आर की पावर क्यू माइनस वन हो गया बच्चों, तो अब ये बात तो समझ में आ गई हमें कि ए आर की पावर क्यू माइनस वन है, तो अब या तो इस इक्वेशन का यूज करो या इसका, जिस भी आपका मन है, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं है, उसे तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब ए आर की पावर क्यू माइनस वन है, तो आर की पावर पी का मल्टीप्लाई कर दो वहां पर, और आर की पावर पी का डिवाइड कर दो, तो आर की पावर पी का मल्टीप्लाई और आर की पावर पी का डिवाइड। अब यहां से आप देखोगे तो ए क्यू की वैल्यू बन गई ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन ओवर आर की पावर पी, वैल्यू पुट कर दोगे बच्चों, ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम, और नीचे कितना आ जाएगा एम अपॉन एन की पावर वन अपॉन टू क्यू, और होल पावर कितनी हो जाएगी बच्चों पी, और यहां पर आप क्या लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थर्ड। यही तो दो इक्वेशन यूज करी आपने, वन और थर्ड, वो आपने यहां पर पुट कर दी। अब देखिए बच्चों आप यहां पर लिखेंगे तो ये तो m हो गया, पावर आपस में मल्टीप्लाई p बाय टू, तो m की पावर ये हो जाएगी p ओवर 2q, और यहां पर बच्चों ऊपर n चला जाएगा, n की पावर कितनी हो जाएगी p ओवर 2q। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से हमें बच्चों इसकी वैल्यू m हो गई, तो यहां से वैल्यू आ गई m अपॉन m की पावर p बाय 2q और n की पावर p बाय 2q। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि हमें तो ये टर्म निकालना था, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू एन अपॉन एन की पावर पी बाय टू क्यू, ये लिख सकते हैं बच्चों। दोबारा समझिए, हमें क्यू एट टर्म निकालना था बच्चों जीपी का, तो क्यू एट टर्म कितना निकलेगा ए आर की पावर क्यू माइनस वन। अब r की पावर q माइनस वन की वैल्यू तो हमारे पास थी नहीं, q माइनस वन यहां पे लिख रहा था, अगर p और आ जाता तो उसकी वैल्यू हम p m पुट कर देते। अब हमने क्या करा बच्चों, यहां पर हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या करा, r की पावर p का मल्टीप्लाई r की पावर p का डिवाइड, तो ऊपर बन गया a r की पावर p प्लस क्यू माइनस वन और नीचे r की पावर p आ गया। अब r की पावर p प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी m, और नीचे r की पावर p था, तो r की वैल्यू कितनी थी बच्चों m अपॉन n की होल पावर वन अपॉन टू क्यू, यही तो थी बच्चों। तो हमने यहां पे पुट कर दिया m अपॉन n की पावर वन और p पावर थी, p लगा दिया, इंटू हो गया बच्चों, पावर ऊपर चली गई बच्चों, तो m ऊपर चला गया n और m नीचे आ गया, तो ये बच्चों यहां पे वैल्यू निकल कर आ गई
कि ए क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, एम इंटू एन अपॉन एन की पावर पी बाय टू। क्लियर हुआ? अब आपको पी एटम और क्यू एटम दोनों निकालने आ गए, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन था कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं जीपी से, और हर क्वेश्चन में अलग बिल्कुल मेथड लग रहा है सॉल्व करने का, लेकिन फॉर्मूला एक ही यूज हो रहा है कि ए आर की पावर एन माइनस वन। तो जब भी बच्चों जीपी का क्वेश्चन आएगा जनरल टर्म को लेकर, तो उसमें एक ही फॉर्मूला आएगी, ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन। अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो उसमें अलग अलग टाइप से उसे यूज करना होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी गिवेन है। अब जितनी इंफॉर्मेशन बच्चों आपके पास गिवेन होगी, उस इंफॉर्मेशन का आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको करना है क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेथड आप फॉलो करें उसमें कैलकुलेशन एरर ना हो, स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करें। जब स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अगला स्टेप क्या आना है वो अपने आप पता लगता जाएगा। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उन सबको कलेक्टिव कर लें, यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उन सबको कलेक्ट कर लें, अलग अलग इक्वेशन में कर दें, जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। फिर क्या फाइंड करना है, आप उसका यूज करके उसे निकाल सकते हैं। आई बात समझो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दिया है फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज 2, 4, 8, 16 up to 512। अब देखिए कि हमें यहां पर एंड से फिफ्थ टर्म निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? एंड से फिफ्थ टर्म निकालना। अब देखिए सॉल्यूशन हमें यहां पे बच्चों जीपी दे रखी है, हमने लिखा जीपी क्या दे रखी है हमें 2, 4, 8, 16 up to ये जा रही है 512 तक। सो ए कितना हो गया बच्चों 2, ए तो हमें दिख रहा है 2। आर निकालेंगे तो 4/2 कितना आ गया, आर की वैल्यू भी 2 आ गई। अब सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे निकालना पड़ेगा, यही तो निकालना पड़ेगा, या फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि बच्चों लास्ट टर्म हमें पता है कि एल की वैल्यू कितनी है 512। तो अगर हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो हम यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, या के टर्म अभी फ्रॉम एंड रख दीजिए, तो एल इंटू 1/r की पावर एन माइनस 1, यही हो जाएगा बच्चों। अब अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है बच्चों, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा बच्चों, एल इंटू 1/r की पावर 5-1, यही हो जाएगा बच्चों। एल की वैल्यू इतनी है बच्चों आपके पास 512 इंटू 1/2 की पावर 4, तो ये हो गया बच्चों 512 होता है 2^9 इंटू 1/2 की पावर 4, कैंसिल आउट हुआ तो 2^5 आ गया बच्चों। 2^5 कितना हो जाएगा बच्चों 32, यानी एंड से फिफ्थ टर्म जो निकल कर आएगा बच्चों वो कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा आपके पास 32। क्लियर हुआ बच्चों? तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे बच्चों। अगर आपको क्या पता है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप एल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ज्यादा इजी पड़ जाता है। तो हमने एल 1/r की पावर एन माइनस 1 रख दिया, वहां से हमारे पास कितना निकल कर आ गया, वहां से हमारे पास निकल कर आ गया कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ गिवन सीक्वेंस इज इक्वल टू 32। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका एंड से फिफ्थ टर्म वाला बच्चों क्वेश्चन हो गया। अब बेसिकली बच्चों जितने क्वेश्चन अराइज होते हैं हमने मैक्सिमम सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं बच्चों, इससे और आपको आइडिया लग जाएगा कैसे होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बहुत, वो आप देखिएगा लास्ट क्वेश्चन बच्चों जो हम इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमने लिया बच्चों इफ पी एथ कॉमा क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ अ जीपी इज ए कॉमा बी कॉमा सी रेस्पेक्टिवली, देन शो ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू में बी की पावर आर माइनस पी इंटू में सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। अब बच्चों वो हमसे कह रहा है कि एक जीपी है, उस जीपी में जो पी एट टर्म है वो स्मॉल ए के बराबर है, जो क्यू एट टर्म है जीपी का वो स्मॉल बी के बराबर है, और आर एट टर्म जो है वो जीपी का वो स्मॉल सी के बराबर है। अब हमें यह शो करके दिखाना है कि अगर हम ए की पावर क्यू माइनस आर करें इंटू में बी की पावर आर माइनस पी करें इंटू में सी की पावर पी माइनस क्यू करें, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन,
लेट कंसिडर अ जीपी विद फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म बच्चों यहां पर मैंने कैपिटल ए मान लिया क्योंकि यहां पर हमें स्मॉल ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ था एंड कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो बच्चों यहां पर मैंने कैपिटल आर मान लिया क्योंकि आर आइटम दिया हो तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लिया, कॉमन रेशियो को कैपिटल आर मान लिया। ठीक है बच्चों। सो अब पी एट टर्म अगर बच्चों हमें निकालना है तो ए पी कितना आ जाएगा बच्चों, तो पी एट टर्म आ जाएगा आपके पास ए पी इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म अब कैपिटल ए हो गया, आर की पावर पी माइनस वन, और पी एट टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना था स्मॉल ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी स्मॉल ए की। इतनी बात आपको समझ आई। अगर आप क्यू एट टर्म निकालेंगे बच्चों तो ए क्यू ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और ये वैल्यू हो जाएगी स्मॉल बी की। आर एट टर्म आप निकालेंगे बच्चों तो आर एट टर्म हो जाएगा ए आर, ए आर की पावर आर माइनस वन, और ये वैल्यू हो जाएगी स्मॉल सी की, इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थ्री। ठीक है बच्चों। नाउ अब हमने क्या करा, एल एच एस ले लिया जो हमें प्रूफ करना था। एल एच एस क्या था, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू, पुट वैल्यूज यूजिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री। हमने क्या करा, इक्वेशन वन टू थ्री का यूज कर यहां पर वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों, ए की वैल्यू थी आपके पास ए आर की पावर पी माइनस वन, और होल पावर हो जाएगी क्यू माइनस आर, इनटू में ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और होल पावर कितनी हो जाएगी बच्चों आर माइनस पी। सी की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ए आर की पावर आर माइनस वन, और होल पावर कितनी हो जाएगी बच्चों पी माइनस क्यू, इतना ही हो जाएगा बच्चों। अब पावर हमने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों तो ये हो गया हमारे पास ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर, इंटू में ए की पावर आर माइनस पी, इंटू में आर की पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी, इंटू में ए की पावर पी माइनस क्यू, इंटू में आर की पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू, यही हो गया बच्चों। अब हमने क्या करा कि हमें पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ए की पावर कितनी आ गई बच्चों क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। इसी तरह से बच्चों आर की पावर कितनी आ जाएगी, आर की पावर आ जाएगी पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू, यही हो जाएगा बच्चों। अब देखिए कि यहां पर P से P कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, और R से R, यानी A की पावर तो आ गया जीरो। अब आप बच्चों R की पावर निकालेंगे कि R की पावर क्या आएगी, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों इसको मैं यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। हमारे पास देख रहा है बच्चों P माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। अब अंदर हम इंटू कर देते हैं बच्चों एक एक करके। देखिए P का इंटू करेंगे तो पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू प्लस आर, यहां पर हो जाएगा बच्चों क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, यहां से हो जाएगा बच्चों पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस का क्यू, यही हो जाएगा बच्चों। अब देखिए जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए बच्चों, क्यू नेगेटिव का क्यू पॉजिटिव का, पी पॉजिटिव पी नेगेटिव, आर नेगेटिव आर पॉजिटिव, क्यू आर नेगेटिव क्यू आर पॉजिटिव, पी क्यू कट गया बच्चों, पी आर से पी आर, यानी कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो ये हो गया बच्चों आर की पावर जीरो। अब किसी की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है तो वन इंटू वन कितना आ गया वन, यानी यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि हम एल एच एस लेके चले तो वन के बराबर आ गया, यानी आर एच एस हो गया बच्चों, ये हैंस प्रूफ। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये उस टाइप के क्वेश्चन थे कि बच्चों आपको क्या करना था, एक जीपी कंसिडर करनी थी, वहां से पी एट टर्म निकाल के एक इक्वल रखना था, क्यू एट टर्म निकाल के बी के और आर एट टर्म निकाल के सी के, उसकी वैल्यूज हमने यहां पे पुट कर दी बच्चों, पावर को सॉल्व करा और हमने आंसर ले आए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपने पढ़ लिया बच्चों कि आज जीपी क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे जो पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हम ये रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।